हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सहरी का टाइम जो कि मैंने कल इफ्तारी में बनाई थी मैक्रोनी, तो आज मैं सहरी के टाइम वही मैक्रोनी ही खा रही हूँ क्योंकि वो बची थी, तो मैंने सोचा आज यही खा लेती हूँ, तो मैंने यही खाई। तो सहरी मेरी हो चुकी थी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे है जो कि आज है 20वां रोज़ा है और आज है हमारे परदादा की फाता। तो घर में फाता थी और उसकी तैयारियां चल रही थी और साथ ही साथ शाम को इफ्तारी भी थी और उसी की घर में तैयारी चल रही थी। और ये मुर्गी हैं जो कि आज चाचा ने ली है, तीन। फ्रेंड्स, यहाँ इफ्तारी का सारा सामान जो है वो तैयार हो गया है और हम लोग अंदर कमरे में ले आए थे प्लेटें बनाने के लिए। तो अब हम सब लोग जो है वो इफ्तारी के लिए जो है वो प्लेटें सारी बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ सारी प्लेटें देख सकते हैं अब बनके रेडी हो गई हैं। आप लोग अगर पहली बार चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कभी अपने अब्बा की तरह सलाम करता है। फ्रेंड्स, अभी हमने जो है वो उत्ती प्लेटों सेट रखी वो हो गई है कंप्लीट। किधर दिखाई है? मेरे मुंह पे मोजी लगा देना प्लीज। टाइम नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान बहन, आज रमजान के 20वें रोजे की आपको बहुत बहुत मुबारक हो और कैमरा हटा लीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे है, कल इफ्तारी जो है वो हो चुकी थी, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और जो है वो नेक्स्ट डे है आज। आज जो है हम लोग किचन में जो है अपना सारा सामान जो है वो सेट कर रहे हैं, मतलब अंदर कमरे में रखा था जैसे कि आप लोग देखते थे। तो आज जो है हम किचन में जो है वो सारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी जो सिर्फ इतना ही सामान जो है वो किचन में रखा है, बाकी जो है वो सामान अभी नहीं रखा है। तो सारा सामान हम रख लेंगे सुबह से यही। अभी सब किचन में ऐसे ला के रखा है, गैस रख दी है, सामान सब ऐसे भर दिया है, उनके अंदर की सफाई भी हो रही है और साथ ही साथ लगाते भी जा रहे हैं किचन में। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। हम तो इसको बोलते हैं नियामत खाना, कुछ लोग अलमारी बोलते हैं, हमारे यहाँ नियामत खाना हम लोग बोलते हैं। तो इसको जो है अभी किचन में रखेंगे, उससे पहले हमने इसको अच्छे से पेंट वगैरह कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा इसकी पॉलिश वगैरह मुझे उतर गई थी, इस वजह से इसमें पेंट कर दिया है। ये सूख जाएगा, उसके बाद इसको अंदर रख के इसमें सारा सामान रख देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो कि मैंने कुछ भी कल मैंने कहा था सेट कर लूँगी किचन, उसके बाद आपको बताऊँगी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट डे है जो कि हमने जो है वो किचन को अभी कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है। यहाँ पर खाना भी अंदर ला के रख दिया था और अभी मतलब जितना सामान आपने देखा था ना वीडियो में था फैला हुआ, वो सब अभी हमने सारा सेट कर दिया है और इस तरीके से हमारा किचन रेडी हो गया। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। पहले आप लोगों ने देखा था हम लोग रूम में जो है वो खाना बनाते थे, लेकिन अब जो है वो हमने किचन में सब शिफ्ट कर लिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ मुरादाबादी दाल, जो कि मूंग की धुली दाल रखी हुई थी, तो हमने सोचा उसकी मुरादाबादी दाल ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस दाल को जो है वो उबालूंगी, मैंने भिगो दिया था दिन में ही और अब जो है वो इसको उबाल रही हूँ। पानी डालूंगी और सिर्फ नमक डाल के जो है इसको उबाल लूँगी। इसमें कम से कम 3-4 सीटियाँ लगाऊँगी अच्छे से गल जाए इसलिए। तो यहाँ नमक डाल दूँगी, उसके बाद इसको गलाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग बताना आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं। और आज इफ्तार में जो है और कुछ हमने नहीं बनाया था, सिर्फ यही मुरादाबादी दाल ही हमने बनाई थी क्योंकि इफ्तार में ना पूरा दिन रोज़ा रखो, शाम को ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता है, ज़्यादा चीज़ें बना लो वो खाई नहीं जाती हैं, इसलिए आज खाली ये मुरादाबादी दाल है। तो यही बना के जो है वो यही इफ्तार में हमने जो है वो खाया। इनको देखो कहाँ जाके बैठी हैं ये। नीचे उतरो, देख के नहीं लाए थे। नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ कॉफर
जो कि बहुत दिन से क्या कहते हैं कंचन जी है, वो बुलाए थे फेशियल और थ्रेडिंग के लिए। तो आज जो है मैं सुबह जल्दी जल्दी काम कर लिया और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत जल्दी आ जाती है रमज़ान में रोज़ में, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। अब्बा के साथ बाइक से वो मुझे क्वार्टर तक छोड़ देंगे वहाँ अपना काम करके, फिर मैं देखूँगी अगर होगा तो फ़ोन करूँगी अब्बा को, फोन के साथ आ जाऊँगी, नहीं तो फिर पैदल आना पड़ेगा धूप में। तो चलो फिर हम चलते हैं, अब्बा भी आ गए हैं देखने। मज़ार तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि मज़ार पे वो रुकेंगे थोड़ी देर, फिर चलेंगे।